Assalamu alaikum everyone, I'm your teacher Mustafa Ahmed. Let's start our new topic. तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेटर लॉ। तो इसको पढ़ने से पहले एक सिचुएशन लेते हैं। अक्सर आप इस तरह की बातें करते होंगे कि यार खाना खाना तो दूर की बात है, उसने मुझसे पानी तक नहीं पूछा। यार बाइक होना तो दूर की बात है, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन में आप किस तरह के सेंटेंस बनाएंगे वो आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपने फॉर्मूला कोई डेफिनेशन नहीं है, स्पीकिंग में बड़ा यूज होता है टॉपिक कि नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस जो है वो आपका कोई भी टेंस का रूल हो सकता है। अगर इनडेफिनेट है तो डजंट, डोंट, ने पास्ट में डिड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कंटीन्यूअस है तो इज नॉट, एम नॉट, बट आर नॉट। अकॉर्डिंग टू टेंस रूल आप कुछ भी नेगेटिव सेंटेंस यहां पर ऐड कर ले। उसके बाद कॉमा लगा के एक सेंटेंस को एंड करना है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में लेट अलोन लगा के फिर आपने वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों लगा सकते हैं। ही डिडंट इवन ऑफर मी वाटर लेट अलोन फूड। हालांकि तो दूर की बात है, उसने मुझसे पानी तक नहीं पूछा। ही डिडंट इवन ऑफर मी वाटर let alone food. She doesn't know how to write, let alone speak English. English bolna to dur ki baat hai, usse to likhna bhi nahi aata. Last example hai, I don't have even cycle, let alone bike. Yeah, bike to dur ki baat hai, mere paas to cycle bhi nahi hai, paidal aata hu. Is tarah ki condition aati hai, aksar aap banate rehte sentence. I hope aapko ye topic bada samajh aayega, bahut interesting sa topic tha. Iski example jo hai wo aapne comment mein lazmi banani. To ek example main aapko de raha hu, aap usko English mein change karke comment mein lazmi banaiyega. याद करना तो दूर की बात है, वो मुझसे बात भी नहीं करती। याद करना तो दूर की बात है, वो मुझसे बात भी नहीं करती है। इसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं वो आप बताएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।